हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी का फोर्थ लेक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बेसिक्स कवर किया, टर्मिनोलॉजी कवर करी डेवलपमेंटल बायोलॉजी की। इफ़ आपने मेरी डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बेसिक वीडियो को नहीं देखा है, सो गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज उन वीडियो में जो टर्म्स हैं वो मोस्टली टर्म्स यहाँ यूज होने वाली हैं। सो फर्स्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो। सो एम्फीबियन डेवलपमेंट, एम्फीबियन एग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एम्फीबियन एग मीजोलेसिथल होता है, टीलोलेसिथल होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज करता है एंड रेडियल पैटर्निंग करता है। अब एम्फीबियन एग यहाँ पे अनफर्टिलाइज था, अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था। एम्फीबियन एग यहाँ पे अनफर्टिलाइज था। अनफर्टिलाइज होने के साथ साथ अनपोलराइज्ड भी था, मींस कोई भी पोलैरिटी नहीं थी अभी इसमें। बट जैसे ही स्पर्म की एंट्री हुई, यहाँ से स्पर्म की एंट्री हुई तो वो पोलराइज्ड हो गया, बिकॉज जहाँ जिस पोर्शन पे स्पर्म की एंट्री हुई वो पोर्शन वेंट्रल पोजीशन बन गई और उससे अपोजिट डोर्सल पोजीशन बन गई। ये हो गई वेंट्रल एक्सिस, ये हो गई डोर्सल एक्सिस। फर्स्ट जो स्पर्म से इफेक्ट आया वो क्या आया, उसने वेंट्रल डोर्सल एक्सिस को सिमेट्री को डेवलप कर लिया। सेकेंड थिंग ये हुई कि जो हमारा कॉर्टिकल था वो 30 डिग्री रोटेट हो गया। ये हमारा कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म था, ये कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म 30 डिग्री रोटेट हो गया टुवर्ड डोर्सल एक्सिस। सेकेंड इवेंट 30 डिग्री रोटेट हो गया कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म 30 डिग्री रोटेट हो गया टू डॉर्सल साइड, वो 30 डिग्री रोटेट हो गया। अब जब ये 30 डिग्री रोटेट हुआ तो यहाँ पे एक प्रोटीन थी, इस जगह पे एक प्रोटीन थी डीएसएच प्रोटीन, वो भी रोटेट हो गई और वो कहाँ आ गई, डॉर्सल साइड आ गई। सो जैसे ही स्पर्म आया, स्पर्म के आने की वजह से फर्स्ट इवेंट हुआ कि हमारा जो अनपोलराइज्ड एग था वो पोलराइज्ड एग हो गया। सेकेंड इवेंट हमारा हुआ कि जो कॉर्टिकल रोटेशन हो गया साइटोप्लाज्म का। अभी जो कॉर्टिकल रोटेशन हुआ है, इस कॉर्टिकल रोटेशन में यहाँ पे डीएसएच प्रोटीन थी, वो भी रोटेट हो गई और वो डोर्सल साइड आ गई। नॉर्मल हर जगह एग में बीटा कैटेनिन प्रेजेंट होती है, बट ये GSK3 इनहिबिट करता है बीटा कैटेनिन को, इस वजह से बीटा कैटेनिन अपना फंक्शन शो नहीं कर पाती। बट जब डीएसएच अब एक्टिव हो गया डॉर्सल साइड, तो डीएसएच ने इनहिबिट कर दिया GSK3 को, जो कि इनहिबिट कर रहा था बीटा कैटेनिन को, तो इस जगह पे बीटा कैटेनिन एक्टिव हो गया। डॉर्सल साइड क्या हुआ, बीटा कैटेनिन एक्टिव हो गया। ये साइन है एक्टिवेशन का, बीटा कैटेनिन एक्टिवेट हो गया। सो डॉर्सल साइड क्या प्रेजेंट है, बीटा कैटेनिन। वेंट्रल साइड बीटा कैटेनिन प्रेजेंट है बट वो एक्टिव स्टेट में नहीं है, तो डॉर्सल साइड क्या हो गया, बीटा कैटेनिन एक्टिवेट हो गया। अब जब डॉर्सल साइड बीटा कैटेनिन स्टेबलाइज हो गया, तो बीटा कैटेनिन सेल के न्यूक्लियस के अंदर गया और वहां पे दो जीन थे, साइमोस एंड ट्विन जीन वो इनहिबिट हो रहे थे टीसीएफ थ्री के थ्रू ने इनको रिप्रेस किया हुआ था। बट जैसे ही बीटा कैटेनिन डॉर्सल साइड एक्टिवेट हुआ, बीटा कैटेनिन बाइंड हो गया टीसीएफ थ्री से बाइंड हुआ और साइमोस एंड ट्विन को अलाउ किया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होने को। तो साइमोस एंड ट्विन एक्सप्रेस हो गए, एक्टिव हो गए साइमोस एंड ट्विन। अब जब साइमोस एंड ट्विन एक्सप्रेस हो गए, तो साइमोस एंड ट्विन ने मिलकर वहां पे बनाया न्यूकूप सेंटर, क्योंकि जिन सेल्स में साइमोस एंड ट्विन प्रेजेंट होता है वो सेल बनाते हैं न्यूकूप सेंटर।
साइमोस एंड ट्विन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थे, इट मींस ये ट्रांसक्रिप्शन अलाउ करेंगे, जब ये बाइंड होंगे रिसेप्टर से तो ये ट्रांसक्रिप्शन अलाउ करेंगे, जब ये बाइंड होंगे तो ये ट्रांसक्रिप्शन अलाउ करेंगे। तो ये बाइंड हुए और इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन अलाउ किया 3 जीन्स का, XLN फर्स्ट, एक्स नॉट, गुसिकॉइड, इन्होंने इन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन अलाउ किया साइमोस एंड ट्विन ने। और ये सारा स्टेप्स कहाँ हो रहे हैं, डॉर्सल साइड हो रहे हैं। तो अब डॉर्सल साइड क्या क्या प्रेजेंट है, साइमोस प्रेजेंट है, ट्विन प्रेजेंट है, एक्स नॉट प्रेजेंट है, XLN फर्स्ट प्रेजेंट है। ये 5 मिलके बनाते हैं स्पीमेन ऑर्गेनाइजर, ये 5 मिलके बनाते हैं स्पीमेन ऑर्गेनाइजर, 5 मिलके क्या बनाते हैं स्पीमेन ऑर्गेनाइजर। सो फर्स्ट न्यूक्लियस बना, उससे हमारा स्पीमेन ऑर्गेनाइज बना। तो जहां पे ये 2 प्रेजेंट होंगे साइमोस ट्विन उसको बोलते हैं न्यूक्लियस सेंटर, और जहां पे 5 प्रेजेंट होंगे उसको बोलते हैं स्पीमेन ऑर्गेनाइजर। तो ये स्पीमेन ऑर्गेनाइजर क्या कहां बन रहा है, डॉर्सल साइड बन रहा है, ये सारे इवेंट डॉर्सल साइड हो रहे हैं। अब क्या हुआ, ये हमारी सेल थी, इस सेल में इस जगह स्पीमेन ऑर्गेनाइजर बन गया, इस जगह क्या बन गया, स्पीमेन ऑर्गेनाइजर बन गया। स्पीमेन ऑर्गेनाइजर ने जो हमारी अपर माइक्रोसेल्स थी, ये हमारी जो अपर माइक्रोसेल्स थी इनसे इंट्रैक्शन किया। स्पीमेन ऑर्गेनाइजर ने अपर माइक्रोमियर सेल से इंट्रैक्शन किया, इसके थ्रू इंट्रैक्शन किया बाय डेल्टा नॉच पाथवे। सो इसकी वजह से जो माइक्रोमियर थी उनको इंड्यूस किया, माइक्रोमियर्स को इंड्यूस किया कि वो एक्सब्रा और ब्राचेयूरी को वो एक्सप्रेस करें। और जो सेल्स एक्सब्रा और ब्राचेयूरी को इंड्यूस करती हैं वो सेल्स कहाँ जाती हैं, मीजोडर्म में जाती हैं, मतलब वो मीजोडर्म फॉर्म करती हैं, वो मीजोडर्म फॉर्म करती हैं। सो यहाँ पे हमारा मीजोडर्म फॉर्म हो गया, इन सेल्स ने मिलके और ऑर्गेनाइजर सेल ने मिलके, दोनों ने मिलके मीजोडर्म फॉर्म किया। अब यहाँ हुआ है इंडक्शन, इंडक्शन कहाँ होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि गेस्टुलेशन स्टेज में, गेस्टुला जब फॉर्म होता है तो गेस्टुला में सेल का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो वही इंडक्शन हुआ यहाँ पे, सेल का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, वही इंडक्शन हुआ यहाँ पे। मीन्स इस स्पेस में जो हमारा सेल में स्पीमेन ऑर्गेनाइजर एंड मीजो स्पीमेन ऑर्गेनाइजर एंड माइक्रोमियर सेल्स थी, उन्होंने इनसाइड जाना स्टार्ट कर दिया, दैट्स कॉल्ड इंडक्शन। ये हमारी गेस्टुला स्टेज है और इसे ही बोलते हैं इंडक्शन होना, हमारा इंडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है इस स्टेज में, जब हमारा स्पीमेन ऑर्गेनाइजर इंड्यूस करता है माइक्रोमियर सेल्स को ब्राचियोरी प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारा ये सेल्स इंड्यूस हो जाती है और ये सेल इंडक्शन शो करती है, ये सेल क्या शो करती है, इंडक्शन शो करती है। और इंडक्शन मीन्स मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, इंडक्शन हमने मॉर्फोजेनिक मूवमेंट की क्लास में पढ़ा था, इंडक्शन मीन्स मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। और ये मॉर्फोजेनिक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जो कि होता है हमारा गेस्टुलेशन फेज में। और जो सेल इंड्यूस होके इनसाइड जाती हैं वो हमारी मीजोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं, वो हमारी क्या करती हैं, मीजोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं। दैट्स व्हाई स्पीमेन ऑर्गेनाइजर और माइक्रोमियर सेल्स मीजोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं। मीजोडर्म का इंडक्शन हुआ और जो अपर सेल्स होंगी वो क्या बनाएंगी, एक्टोडर्म, लोअर सेल बनाएंगी एंडोडर्म। और ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं हमारी ऑर्गेनाइजर में सेल्स प्रेजेंट है एंड माइक्रोमियर सेल्स हैं, ये बनाएंगी हमारी मीजोडर्म। सो यहाँ तक हमारा गेस्टुलेशन कंप्लीट हो गया, 3 जर्म्स लेयर फॉर्म हो गई, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म। अब नाउ इन लेयर्स का डिफ्रेंसिएशन होना है एंड ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना है। अब इसमें एक पॉइंट आता है, जो एक्टोडर्म है उस एक्टोडर्म का फेट होता है कि वो एक्टोडर्म नर्वस टिश्यू बनाता है, उस एक्टोडर्म का फेट होता है कि वो नर्वस टिश्यू बनाता है। बट रियलिटी में वेंट्रल एक्टोडर्म जो है वो एपिडर्म बनाता है और डॉर्सल जो है वो नर्वस टिश्यू ही बनाता है, ये तो नॉर्मल है। बट वेंट्रल एक्टोडर्म एपिडर्मल टिश्यू बनाता है, तो वेंट्रल साइड ऐसे क्या इवेंट्स हुए कि वो नर्वस टिश्यू की जगह एपिडर्मल टिश्यू बनाता है। सो क्या होता है, एक्टोडर्म जो हमारा एक्टोडर्म है उसमें हमारी जो भी सेल्स हैं वो 3 मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करती है, BMP4, BMP2, XVENT8। एंड ग्रीन कलर का है BMP4, BMP2 एंड XVENT8। सो ये जो हमारी सेल्स हैं यहाँ की सारी सेल्स BMP2, BMP4, XVENT8 को प्रोड्यूस करती है, जो कि इंड्यूस करता है MSX1 को, जो कि इसमें इंड्यूस करता है जाके कि MSX1 प्रोड्यूस हो और MSX1 एपिडर्मल टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। बट जो सेल्स हमारी डॉर्सल साइड है वो भी प्रोड्यूस करती हैं BMP2, BMP4, XVENT8। बट होता क्या है,
ऑर्गेनाइजर प्रोड्यूस करता है कॉर्डिन नॉगिन. ऑर्गेनाइजर से प्रोड्यूस क्या हो रही है, ये ऑर्गेनाइजर से प्रोड्यूस हो रही है, ये ऑर्गेनाइजर से प्रोड्यूस हो रही है कॉर्डिन एंड नॉगिन. कॉर्डिन एंड नॉगिन बाइंड हो जाती है BMP2 से, BMP4 से, X28 से, जिसकी वजह से ये अवेलेबल नहीं होती एंड ये MSX को इंड्यूस नहीं कर पाती एंड एपिडर्मल टिश्यू नहीं बन पाता, वो नॉर्मल फेट फॉलो करता है, दैट इज नर्वस टिश्यू. तो मींस एक्टोडर्मल की जो सेल्स का नॉर्मल फेट था वो था हमारा कि वो नर्वस टिश्यू फॉर्म करती हैं, बट BMP4, BMP2, X28 ने इनको इंड्यूस किया MSX के थ्रू कि वो एपिडर्मल सेल्स को प्रोड्यूस करें. बट स्पीमेन ऑर्गेनाइजर की वजह से, वहाँ स्पीमेन ऑर्गेनाइजर था, स्पीमेन ऑर्गेनाइजर की वजह से कॉर्डिन एंड नॉगिन प्रोड्यूस हुए, उन्होंने सारे BMP4, BMP2, X28 को बाइंड कर लिया. अब जब इन्होंने इन सबको बाइंड कर लिया तो MSX1 प्रोड्यूस नहीं हुआ और वो इंड्यूस नहीं हो पाया और उसने अपना नॉर्मल फेट फॉलो किया, दैट इज नर्वस टिश्यू. सो इट मीन्स वेंट्रल साइड एक्टोडर्म हमारा एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म करती है एंड डॉर्सल साइड एक्टोडर्म हमारा नर्वस टिश्यू प्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट आता है मीजोडर्मल डिफ्रेंसिएशन. ये है हमारी मीजोडर्म, ये थी हमारी एक्टोडर्म. यहाँ सेल्स ने एक्टोडर्म को इंड्यूस करा, यहाँ सेल्स ने एक्टोडर्म को इंड्यूस नहीं किया. अब ये आता है हमारा मीजोडर्म. मीजोडर्म में हमारा डॉर्सल मीजोडर्म ऑलवेज नर्वस टिश्यू बनाता है, नोटोकॉर्ड बनाता है हेल्प करने के लिए डॉर्सल एक्टोडर्म की. वेंट्रल मीजोडर्म है उसको भी 2 parts में डिवाइड किया गया है. जिस पार्ट में BMP2, BMP4, BMP8 बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, हाई होते हैं BMP2, BMP4, BMP8, वो पार्ट एक्स वेंट को एक्सप्रेस करता है, वो पार्ट एक्स वेंट फर्स्ट को एक्सप्रेस करता है और एक्स वेंट फर्स्ट के आने की वजह से ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है. बट जैसे ही वो डॉर्सल साइड की तरफ जाते हैं तो हमारा कॉर्डिन एंड नॉगिन आने की वजह से ये बाइंड होने लगते हैं और ये कम हो जाता है. जब ये कम हो गया है प्रेजेंट BMP2, BMP4, X28, बिकॉज कंप्लीट डॉर्सल साइड नहीं आई है, बट यहाँ पे हमारा BMP4 की कंसेंट्रेशन लो हो जाती है जिसकी वजह से एक्स वेंट सेकेंड प्रोड्यूस होता है. ये सेल्स एक्सप्रेस करती हैं एक्स वेंट सेकेंड आने की वजह से जो ये वाला पोर्शन है वो मसल एंड किडनी का फॉर्मेशन करता है. सो डॉर्सल साइड जो होगी वो नर्वस टिश्यू बनाएगी, डॉर्सल एक्टोडर्म का ही फेट लेती है वो, बट जो हमारी वेंट्रल साइड है उसमें वो पोर्शन बिल्कुल वेंट्रल पोर्शन जहाँ पे BMP4, BMP2, X28 कंप्लीट बहुत ज़्यादा हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट थे, वो X28 फर्स्ट को एक्सप्रेस करती है जो कि ब्लड वेसल का फॉर्मेशन करता है. बट जैसे कि हम डॉर्सल साइड जाएंगे तो जो हमारा वेंट्रो लिटरल साइड आएगी उस साइड में BMP4, BMP2, X28 प्रेजेंट हैं बट लो अमाउंट में प्रेजेंट है. क्यों? क्योंकि वो कॉर्डिन एंड नॉगिन से बाइंड हो चुके हैं कुछ, इसलिए बहुत लो अमाउंट में प्रेजेंट है. लो अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से वो एक्स वेंट सेकेंड को एक्सप्रेस करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, मसल के लिए एंड किडनी के लिए. सो यहाँ पे हमारा जो मीजोडर्म है वो 3 parts में डिफ्रेंशिएट हुआ और जो एक्टोडर्म है वो 2 fate में डिफ्रेंशिएट हुआ. सो ये था हमारा कंप्लीट डेवलपमेंट एम्फीबियंस का जो कि CSIR NetJRF में आता है. फर्स्ट हमें पढ़ना होगा कि एग है उससे हमारा कैसे पोलैरिटी डेवलप हुई, स्पर्म आया तो कौन कौन से इवेंट्स हुए एंड उन इवेंट्स होने की वजह से डॉर्सल साइड में क्या क्या आगे इवेंट्स क्रिएट हुए, क्या क्या मॉलिक्यूल एक्सप्रेस हुए, इनका पूरा सिक्वेंस पता होना चाहिए. एंड अब स्पीमेन ऑर्गेनाइजर बन गया, स्पीमेन ऑर्गेनाइजर ने क्या करा, मीजोडर्मल के लिए यूज किया. अब हमारा एक्टो आ गया, मीजो आ गया, एंडो आ गया. अब जो हमारा एक्टो है उसका वो डिफ्रेंशिएट कैसे होता है, वो 2 parts में डिफ्रेंशिएट होता है, वो सब हमने पढ़ा क्यों होता है. फिर मीजोडर्मल है, मीजोडर्मल भी 3 parts में डिफ्रेंशिएट हुआ, वो हमारा कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में रिस्पॉन्सिबल थे, वो सब पढ़ा. तो ये आता है हमारा एम्फीबियन का डेवलपमेंट. सेकेंड वीडियो में हम कवर करेंगे क्या क्या केसेस हैं, जो केसेस जिनसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं कि इफ हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा, इफ ये इवेंट नहीं हुआ तो क्या होगा. सो हम सेकेंड वीडियो में कुछ इवेंट्स की बात करेंगे जिसके रिगार्डिंग CSIR NetJRF में ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं. सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.